जय नमस्ते जय माता दी और जय भारत देखते हैं सेवेंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है होलिका दहन है आप सबको होली मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ कि होलिका जैसे जली थी प्रहलाद बच गए थे उसी तरह सारी नेगेटिविटी जो है जल जाए और सारे अच्छे लोग जो हैं वो बच जाएं और लेट्स सी क्या एनर्जी रहने वाली है सेवंथ ऑफ ओके सेवेंथ ऑफ मार्च समथिंग इज कमिंग बैक मतलब लिटरली कुछ वापस आ रहा है यू वुड हैव सीन द कार्ड्स ट्वेंटी सी सेवेंथ ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इतने यूजली कार्ड रिपीट नहीं होते हैं और ये uh, कार्ड जो है आई थिंक फोर्थ के लिए आया है और अब सेवेंथ पे आया है गाइडेंस so ओके सो लेट्स सी इससे ज्यादा बेहतर uh, मतलब एनर्जी नहीं हो सकती थी सेवेंथ ऑफ मार्च के लिए क्योंकि नरसिंह अवतार आ गए हैं प्रहलाद की बात हमने की भक्त प्रहलाद की और होलिका की और नरसिंह देव खुद आ गए तो यहाँ पर पहला कार्ड जो है मेटल किंग का है डिसिप्लिन आर्मर बाउंड्रीज की एनर्जी बताता है नंबर टेन की एनर्जी बताता है और uh, मुझे ऐसा लगता है कि अब अब ये वक्त होगा जब बाउंड्रीज ब्रेक करने की एनर्जी होगी बाउंड्रीज ब्रेक करके आगे बढ़ने की एनर्जी होगी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाने की एनर्जी होगी हाँ डिसिप्लिन में जाना जरूरी होगा अपना टास्क कंप्लीट करना जरूरी होगा लेकिन बॉक्स में बंद रहना या बॉक्स को बंद रखना वो छोड़ देने की एनर्जी होगी अगर आप देखें तो ये बॉक्स बंद करके उसके ऊपर हाथ रख के बैठा है पर इसको पता नहीं है कि जो चीज ये सोच रहा है बॉक्स के अंदर है वो एक्चुअली बॉक्स के बाहर पड़ी है बॉक्स के पीछे थैलियां पड़ी हुई है और ये आज मैंने पहली बार नोटिस किया है कि जो थैलियां हैं मनी की वो बॉक्स के पीछे है वो बॉक्स के अंदर नहीं है और वो बॉक्स को पकड़ कर बैठा है लेकिन उसको पकड़कर बैठने का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि जो चीज उसको चाहिए वो ऑलरेडी बाहर है सो दिस इज ऑफ ऑफ व्हील्स मतलब फोर दिसकल की एनर्जी क्लोज एनर्जी को छोड़ने की एनर्जी होगी अपने um, uh, जो, जो जिन चीजों से आपको बहुत प्यार है जिनको आप बिल्कुल um, एक तरह से अपना बॉर्डर बना के बैठे हुए हो कि बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता इसको मैं नहीं छोड़ सकती इसके अलावा मैं नहीं कर सकती ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है पैसा जरूरी है प्यार जरूरी है घर जरूरी है ये जरूरी है वो जरूरी है एक्चुअली Actually... ये एनर्जी जो है वो आपको कुछ बहुत अलग दिखाने वाली है सेवन्थ की और यहां पर मुझे लगता है बियॉन्ड लिमिटेशन जाने की एनर्जी है बाउंड्रीज ब्रेक करने की एनर्जी है जो चीज़ें आपको ब्लॉक करती हैं जिन चीजों के साथ आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो उन चीजों से बाहर निकलने की एनर्जी है और जो आप कहीं बॉक्स के अंदर इकट्ठा करके बैठ के सोच रहे हो कि आपका ट्रेजर है वो ट्रेजर नहीं है ट्रेजर बाहर है और कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन होने की एनर्जी है यहां पर नरसिंह देव की एनर्जी आई है इविल फोर्सेज से प्रोटेक्शन की एनर्जी है भगवान को हर चीज में हर एक चीज में हर एक इंसान में देखने की हर एक सिचुएशन में देखने की एनर्जी है गुस्सा जो है उसको छोड़ने की एनर्जी है और अंडरस्टैंड करने की कि कब गुस्से की जरूरत है और कब नहीं है स्ट्रेंथ को और ट्रूथ और जस्टिस की एनर्जी है और दूसरी सी हाउ ड्रास्टिकली डिफरेंट दीज एनर्जीज आर दूसरी कामदेव की एनर्जी है डिजायर से फ्री uh, होने की एनर्जी सक्सेस लव रोमांस में सक्सेस की एनर्जी सेक्शुअल परफॉर्मेंस अच्छी होने की एनर्जी और लोगों को खुश करने की एनर्जी हैप्पी करने की एनर्जी एंड इफ यू सी तो दीज एनर्जीज आर हाउ हाउ स्ट्रांगली दीज एनर्जीज आर देयर यहां पर एक मेटल किंग है जो एक्चुअली सारे बॉर्डर्स लिमिटेशन जो है उन, या बाउंड्रीज जो है उनको तोड़कर अपनी आर्मर के साथ आगे बढ़ रहा है जहां पर उसको इविल को खत्म करना है नेगेटिविटी खत्म करना है और यहां पर बोल रहा है कि तुम किस चीज को रोक कर रखे हुए हो किस चीज को बॉक्स में ढूंढ रहे हो क्योंकि हैप्पीनेस तो बाहर है वो बॉक्स के अंदर नहीं है तो वाई आर यू लुकिंग फॉर इट इन द बॉक्स तो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं मैं बोलूंगी कि अगर कोई दिन है जहां पर आपको अपना ट्रुथ ढूंढना है अपनी ट्रू हैप्पीनेस ढूंढनी है तो वो दिन जो है वो सेवंथ का ही दिन है लिमिटेशन ब्रेक कीजिए नेगेटिविटी को छोड़िए नेगेटिविटी को ब्रेक कीजिए और ट्रू हैप्पीनेस अपना ट्रू कनेक्शन जो है उसको आ, फिगर आउट कीजिए फाइंड आउट कीजिए मुझे यहां पर अगेन फिर से बॉर्डर्स पे थोड़ी सी हलचल की एनर्जी लग रही है हो सकता है कि कोई कोई बड़ी चोरी कोई कहीं किसी कोई बड़ा बड़ी एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश करें लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाए किसी के किसी स्ट्रांग इविल एनर्जी के खत्म होने की या पकड़े जाने की एनर्जी भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है और uh, कुछ अच्छा हैप्पी न्यूज आने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है लिमिटेशन से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखिए या आजाद रखिए और एक को आपने याद रखना है होली का दहन है हैप्पी होली है तो आपने याद रखना है कि आप uh, अपने आप को लिमिटेशन में ना डालें अपने आप को बॉक्स में बंद ना करें इंजॉय करें खुश रहें ईविल या नेगेटिव एनर्जीज जो है उनको खत्म करें नेगेटिविटी या नेगेटिव थाट्स जो हैं उनको खत्म करें अपने आप को लिमिट ना करें कोई बड़ा ऐसा एक्शन हो सकता है जो एक्चुअली um, uh, किसी बहुत बड़ी चोरी जो है छुपा के किसी को रक, लगता हो कि उसने कुछ छुपा के किया है और वो बिल्कुल सबके सामने आ जाए उस तरह की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है अः uh, यहां पर अम्म uh, अब कंजूस नहीं होना है या अपने आप को बंद नहीं करना है एक जगह पे ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है थोड़ी सी बाउंड्रीज लूज करनी है थोड़ा सा बाहर निकलना है थोड़ा सा एंजॉय करना है थोड़ा सा हैप्पीनेस में जाना है थोड़ा सा कनेक्ट करना है तो थोड़ा अपने आप को फ्री छोड़ देने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे और यहाँ पर हाफ मैन हाफ लाइन अवतार है तो अपनी वाइल्डनेस अपनी इनर वाइल्डनेस जो है उसको भी एक्सप्लोर करना है बट ये पता होना चाहिए कि कब उसको एक्सप्लोर करना है और कब नहीं तो एक बैलेंस जो है वो रखना बहुत जरूरी है थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर आइए और आज के दिन को एंजॉय कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए और लाइक बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो सर्चेबल होती है ऐसा मैंने सुना है तो अम, हो सके तो और फीडबैक जरूर दीजिए आज के आज अगर सात को आप देख रहे हैं या छह को आप देख रहे हैं आठ को जब आठ वाली देखेंगे तो इस पे भी फीडबैक दे दीजिए आई विल बी ट्रूली ऑब्लाइज थैंक यू सो मच बाय